हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मतलब अभी मैं पटाव बुक करता हूँ, पटाव बुक करके निकल लेता हूँ न्यू साइट की तरफ, क्योंकि साइट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फिर मैं दूर था। बताए हुए लोकेशन में पहुंच जाता हूँ तो ये भाई मुझे लेने के लिए आते हैं। फिर हम लोग दोनों आदमी मिलकर चलते हैं साइट पर। साइट पर जाते हैं तो देखते हैं मशीन वशीन थोड़ा चेक चार मशीन करते इसीलिए हैं। चेक करना था क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे बाढ़ आया था और पूरी की पूरी मशीन डूब चुकी थी, पूरी की पूरी जितनी भी आपको दिखाई दे रही है। इसीलिए चेक करना था कि स्टार्ट टू स्टार्ट हो रही है कि नहीं। चेक तो चाक करने के बाद हम लोग का मूड बन जाता है घूमने के लिए, तो हम लोग निकल लेते हैं घूमने के लिए। गाइस देख सकते हैं कि अभी उस मंदिर पे जाने वाले हैं हम तब लोग। तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। देखते हैं गाइस, अभी हम इस शंभू में पहुंच चुके हैं। जय भोलेनाथ, हर महादेव। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये मंदिर भोलेनाथ का नहीं है, ये गौतम बुद्ध का मंदिर है। देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा व्यू है। फिर हम आप लोगों को लेकर चलते हैं आगे की तरफ। आगे देख सकते हैं ये सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा और भी ऊपर जाना है हम लोगों को। ये सुहाने मौसम और सुहाने बादल देख के तो मजा ही आ गया दोस्तों। देख सकते हैं आप, ये प्राचीन मूर्तियां हैं कुछ, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा व्यू है। एक बात बता दूं, यहाँ पे चाइनीज लोग बहुत आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि गौतम बुद्ध को वो लोग ज्यादा मानते हैं, तो इसलिए वो लोग टूरिस्ट सब ज्यादा आते हैं चाइनीज लोग। फिर यहाँ हम लोग बैठते हैं, थोड़ा पोज वोज मारते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं। आए हाय, लौंडा हीरो लग रहा है, पर यही है कि थोड़ा सा काला हो गया धूप में जल जल। फिर हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से आगे, फोटो वोटो खिंचाने के बाद, पोज वोज मारने के बाद। फिर ये कुछ घुमाने के लिए मिलता है तो ये घुमाते हैं हम लोग। घुमा के घुमाते हुए आगे निकलते हैं, तो सोचता हूँ मैं भी थोड़ा घुमा लूँ, मैं भी थोड़ा हाथ लगा के घुमा लेता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं गाइस, पूरा आपको काठमांडू वैली दिखेगा। इतना ऊपर आ चुके हैं हम लोग कि पूरा बिल्डिंग एकदम छोटा छोटा दिखाई दे रहा है आपको। फिर दोस्तों हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से आगे। आगे निकलते हैं तो देखते हैं कुछ अलग ही नज़ारा है। यहाँ पे झंडी उंडी लगा हुआ है, यहाँ भी कुछ अलग ही पूजा वूजा होता होगा तो पूरा लगा के रखे हैं। फिर इधर घूमते घूमते हैं, घूमने के बाद फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं तो हमारे बजरंग बली विश्राम कर रहे हैं। देख सकते हैं गाइस कितने आनंद से। फिर यहाँ घूमने के बाद पूरा घूम लेते हैं, खत्म होने के बाद अब हम लोग निकल लेते हैं रूम की तरफ, क्योंकि यहाँ जितना घूमना था उतना घूम चुके हैं, देख चुके हैं। उसके बाद रूम पे आता हूँ तो दोस्त लोग का प्लान बन जाता है कि चलते हैं मूवी देखने, तो हम भी बोलते हैं कि चलो ठीक है। तो यहाँ से पटाव बुक करके निकल लेते हैं हम लोग। निकल के सिनेमा हॉल में पहुँचते हैं। देखिए सिनेमा हॉल में पहुँच चुके हैं, पहुँच के वेटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से एंट्री होगा हम लोग का, पास वास चेक करेगा, चेक ओक करने के बाद अंदर जाएंगे हम लोग टिकट। फिर आ जाते हैं हम लोग अंदर। अंदर आने के बाद ये भाई लोग अपने लड़ाई करते हैं, मैं पहले फोटो खिंचाऊंगा, मैं पहले फोटो खिंचाऊंगा। फिर आ जाते हैं हम लोग थमिल। थमिल आने के बाद घूमते हैं थोड़ा बहुत, देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग क्लब में। क्लब में आने के बाद पता चलता है 10 बजे क्लब चालू हो गए थे, इसलिए हम लोग निकल लेते हैं रूम की तरफ।